अच्छा, बेहतरीन फ्लैगशिप फ़ोन लेने की चाह तो सबकी होती है, लेकिन अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए अब सैमसंग लेकर आए हैं एक मिड रेंज फ्लैगशिप फ़ोन। लॉन्च हो गया है सैमसंग गैलेक्सी S10 Lite, जिसे करेंगे आज अनबॉक्स। हाय, मैं हूँ विधि, ये है हाईटेक। चलिए इस फोन पर नजर भी डालेंगे और साथ में क्या क्या मिला है वो भी देख लेते हैं। सैमसंग S10 Lite, अंदर एक बॉक्स है। इस बॉक्स में अगर आप जानते हैं तो इसमें होंगे आपके वारंटी कार्ड्स, डॉक्यूमेंट्स जो आपको संभाल कर रखने चाहिए। साथ में मिला है एक सिंपल TPU कवर, नाइस एंड सॉफ्ट, अच्छा है, आपके फोन को प्रोटेक्टेड रखेगा। और साथ ही आपको मिल रहा है सिम इजेक्टर पिन। यहाँ पर है हमारा फोन, प्रिज्म ब्लू कलर है, इस पर नजर डालेंगे साथ में और क्या क्या है। 25 वॉट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर, टाइप सी केबल, 25 वॉट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर, तो आप समझ ही सकते हैं कि चार्जिंग काफी अच्छे से होगी। सैमसंग क्लेम करता है कि ऑलमोस्ट एक घंटे के अंदर 90% चार्ज आपका फोन हो जाएगा, विच इज अ ग्रेट थिंग। साथ में आपको हेडफोन्स भी दिए गए हैं और जो हेडफोन्स हैं वो टाइप सी कनेक्टर के साथ हैं, तो आप समझ सकते हैं कि शायद ऑडियो जैक ना हो। चलिए फोन पर नजर डालते हैं और डिटेल्स देखते हैं। तो फोन जो मेरे पास है वो है प्रिज्म ब्लू कलर, ये प्रिज्म व्हाइट और प्रिज्म ब्लैक कलर्स में भी अवेलेबल है और फिनिश तो काफी अच्छी मुझे लग रही है। एक्चुअली फिनिश आपको दूर से ये ग्लास लगेगा, लेकिन ये ग्लास नहीं है, ये प्लास्टिक बैक है, बट इट लुक्स रियली नाइस। और इस पर अपना TPU कवर आप लगा कर रखिएगा, नहीं तो फिंगरप्रिंट्स लग सकते हैं। इट विल कीप द फोन सेफ एंड प्रोटेक्टेड एज वेल। तो फोन के साथ साथ क्या है वो जरा देखते हैं। जैसा कि हमने सोचा था, 3.5 mm ऑडियो जैक आपको यहाँ नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको हेडफोन्स दिए गए हैं जो टाइप सी कनेक्टर के साथ हैं, उसकी कमी हमेशा महसूस होगी। साथ में माइक्रोफोन है, स्पीकर ग्रिल है, राइट साइड पर आपका पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स है, ऊपर एक नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन आपको मिलेगा और यहां है आपकी सिम ट्रे। देखते हैं, परफेक्ट हाइब्रिड स्लॉट है, यानी कि आप एक्सपैंड कर सकते हैं अपनी मेमोरी को। 8 GB रैम के साथ आपको ये फोन अवेलेबल है विद 128 GB स्टोरेज, जो आप आराम से माइक्रो एसडी कार्ड के साथ एक्सपैंड कर सकते हैं, विच इज ग्रेट। चलिए फोन को ऑन करते हैं। द डिस्प्ले लुक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और फोन में अगर आप देखें तो बेजल्स बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर से पतले बेजल्स हैं। और यहाँ पर आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है, सेल्फी कैमरा राइट हियर इन द मिडल एंड वेरी नाइस। और इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जो मैं ऑलरेडी सेट कर चुकी हूँ और वो काफ़ी स्मूथ है, लुक एट इट, वेरी इजी। स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर पे ये फोन चलता है और फंक्शनिंग बहुत ज्यादा स्मूथ है इसकी। इस फोन में आपको एक फोकस मोड भी आपको साथ में दिया गया है, विच आस्क्स यू आप काम कर रहे हैं या फिर आप अलोन टाइम चाहते हैं, तो फोकस मोड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और से अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो सारी एप्स डिसेबल हो जाएंगी, जो आपके काम की एप्स हैं बस वही काम करेंगी, जैसे कि फोन कॉल्स या मैसेजेस, विच इज़ ग्रेट बिकॉज आज के डिजिटल टाइम में आपको थोड़ा टाइम अपने ऊपर भी अपने काम पर फोकस करना चाहिए ना। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो वन UI वर्जन 2.0 पर है, एंड्रॉयड 10 पर चलता है, स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर है विच मेक्स द फोन वेरी वेरी स्मूथ। तो अगर आप गेमिंग कर रहे हैं, रेगुलरली फ़ोन को पूरे दिन यूज़ कर रहे हैं, तो फ़ोन लैग नहीं करेगा, स्लो नहीं होगा। आप मल्टीपल ऐप्स पर जा रहे हैं और वापस किसी ऐप पर जाते हैं तो फ़ोन लोड बार बार नहीं करेगा, विच विल मेक यू वेरी हैप्पी बिकॉज आजकल हम सब कुछ जल्दी जल्दी चाहते हैं, राइट। इस फोन में 4500 mAh की बैटरी है विच विल लास्ट यू वेरी लॉन्ग, अनलेस आप अगर आप पूरे दिन यूट्यूब देख रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग कर रहे हैं तो एक दिन चलेगा एक सिंगल चार्ज पर, और अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स या रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो 1.5 दिन आप सिंगल चार्ज पर इस फ़ोन को आराम से यूज़ कर सकते हैं। कैमरास पर नज़र डालते हैं, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, आपका प्राइमरी कैमरा है 48 MP, फिर है 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और उसके बाद है 5 MP का मैक्रो लेंस, पिक्चर्स कम आउट ब्यूटिफुली। सेल्फी कैमरा जो है वो है 32 MP। अब सैमसंग हर बार अपने फ़ोन्स में ना कैमरा की जो ऐप है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करता है, जैसे कि अभी अगर आप कैमरा ऐप खोलेंगे तो सारे फीचर्स आपको शटर के ऊपर नहीं मिलेंगे, मोर पर अगर आप जाएंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस देगा एंड
क्वाइट अ फ्यू ऑप्शंस एक्चुअली. फूड फोटोग्राफी का अगर आपको शौक है, स्लो मो फोटोज आजकल उसका तो काफ़ी ट्रेंड है. इनफैक्ट इस फोन का कैमरा लो लाइट नाइट में बहुत अच्छी फोटोज लेता है. अब S10 Lite का जो कैमरा है उसकी एक और खास बात है, ये आता है सुपर स्टेडी OIS टेक के साथ. यानी आप कैमरा के साथ लेफ्ट राइट मूव करिए या ऊपर नीचे, आपका जो इमेज है वो एकदम स्टेबल रहेगा. अब इस फोन के गुड एंड बैड पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो गुड बात तो ये है कि फोन बहुत हल्का है, 4500 mAh की बैटरी है, सुपर फास्ट प्रोसेसर भी है, चार्जिंग भी सुपर फास्ट है, तो फोन आपका साथ देगा हर समय और विजुअल डिस्प्ले इज ग्रेट, ऑडियो इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, तो काफ़ी अच्छे से आपको खुश करने वाला है. कैमरा इज ऑल्सो फैंटेस्टिक. खराब बात बस एक है मेरे हिसाब से कि आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं दिया है, बस उसकी कमी लगती है. लेकिन साथ में आपको ईयरफोन्स दिए हैं जो अपने टाइप से यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं. प्राइस की बात करें तो ये फोन एक वेरिएंट में अवेलेबल है 8GB रैम, 128GB स्टोरेज और मार्केट में इसका प्राइस अभी है 39,990 रुपीज़. तो ये अफोर्डेबल फ्लैगशिप फ़ोन की कैटेगरी में तो नहीं है, लेकिन मिड रेंज फ्लैगशिप फ़ोन ज़रूर है. आई थिंक अगर आप ज़्यादा महंगा फ़ोन नहीं लेना चाहते हैं बट यू वॉन्ट सिमिलर फीचर्स, तो ये एक अच्छा फ़ोन है टू लुक एट. एक और डिवाइस के रिव्यू के साथ फिर आएंगे हम ऑन हाईटेक. मैं हूं विधि.